जी मैं बनाने लगी हूँ भिंडी तोरी, भिंडी तोरी हाँ भिंडिया भिंडिया तोरी नहीं कहते उसको, भिंडिया बनाने लगी हूँ। तो ये जी 2 अदद प्याज मैंने कट कर लिए और तेल बिल्कुल गर्म है, सही ज़बरदस्त किस्म का। आपको पता है कि रमज़ान में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई मिस ना करूँ। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी डेकोरेशन। तो जी ये लहसुन का पेस्ट है और ये आप देख रहे हैं अब प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ना कच्चा कच्चा थोड़ा सा रहने दें, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना नहीं तो वो जल जाएगा बाद में। तो ये आप देख रहे हैं ये मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अदरक मेरा दिल है कि वो जो है थोड़ी लंबी लंबी काट के डालूँगी बाद में, वो जब ऐसे मुँह में उसका आता है ना टुकड़ा कच्चा कच्चा वो बड़ा मज़ा करता है। तो ये आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन करूँगी, इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। ये देख रहे हैं ये मैंने भिंडी कट करके रखी है, बिल्कुल प्यारी सी छोटी छोटी कट करके रखी है। और ये जी तकरीबन 3 अदद टमाटर हैं, ये आप देख रहे हैं ये कट करके रख ली है। अब मैं इसके अंदर जी ऐड करूँगी ये टमाटर। वैसे तो मैं भिंडियाँ ऐड करती होती थी लेकिन जब बाद में फिर टमाटर डालो वो गलते नहीं है अच्छे तरीके से, तो इसका यही बेस्ट तरीका है कि आप पहले इसको टमाटर को थोड़े सॉफ्ट होने दें फिर जो है ना। हल्दी डाल रही हूँ, मिर्ची और भर के जी सूखा धनिया एक चम्मच और हसबे ज़रूरत नमक। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे का, और मैं मतलब 1-2 घूंट पानी का डाल के ना इसको ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि ये जो है ना टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर आपको दिखाऊंगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनने के पहले स्टार्टिंग में तेज़ आंच रखेंगे, बाद में लाइट कर देंगे। ये मैं लेमन डाल रही हूँ ताकि इसकी जो लेस है वो फिनिश हो जाए, ये भी एक टिप है इसके लिए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है हरी हरी, लेकिन इसके अंदर अभी लेस है और मैंने फुल आग आंच की हुई है। तो ये देखें जी कितनी मज़े की लग रही हैं भिंडियाँ, कलर आप चेक करें माशाल्लाह। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे बिल्कुल, अब मैंने मतलब थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे भून के अब मैं इसको हल्की आंच पे रखने लगी हूँ, और हल्का सा पानी का जैसे छट्टा नहीं बोलते छट्टा पानी का उस तरह इसको लगाऊंगी, बस इतना सा। और हल्की आंच पे हम इसको रख देंगे। ये देखें जी शाम से बस आज के इसको बड़े टाइम बाद याद आती है, कहती है मैंने नूनी खानी है। मैंने कहा अच्छा चलो जी, वैसे भी सहरी के टाइम है, मैं अभी रोटी वगैरह बनाऊंगी तो मैंने कहा पहले इसको बना के दे दूँ। तो जी बड़ी बिजी रूटीन है अभी, ये देख रहे हैं सारा किचन मैंने साफ़ किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, हालांकि वो मेरा डिश वाशर भी है फिर भी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखें शानदार की नूनीज भी रेडी हैं, तो इसको मैंने दी और मैंने इसको कहा कि तुम कमरे में चली जाओ क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम रह गया था, और साथ साथ ये मैंने रोटी पकाना बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि जब मतलब 2-2.5 के बाद तो टाइम का समझ नहीं आती कि टाइम कैसे जल्दी जल्दी गुजर जाता है। तो ये आप देख रहे हैं साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी और एक साइड पे मैंने चाय भी रखी थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखें जी कितने खूबसूरत खूबसूरत, ये देखें जी देसी घी के पराठे बन रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखें माशाल्लाह। और इधर हमारी चाय भी बिल्कुल पक के रेडी हो गई है और बस 1-2 रोटियां मैंने और डालनी है, मींस के पराठे। यकीन करें कोई टाइम ऐसा भी था कि मुझसे बिल्कुल गोल रोटी नहीं बनती थी, अभी भी आप कह रहे होंगे कि अभी भी गोल नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी ये तो अभी हो जाता है ना ऐसे जल्दी जल्दी में पकाते हैं, लेकिन अभी मैं माशाल्लाह काफ़ी गोल पका लेती हूँ रोटियाँ।
लेकिन आई थिंक वो एज ऐसी होती है कि जिसमें आप जब नया नया सीखते हैं तो जब वक्त के साथ क्या कहते हैं जब आप मतलब सर पे पड़ती है ना फिर आपको सारा कुछ आ जाता है करना। ये देखिए मेरे हस्बैंड को मिर्चें लग गई हैं, कहते हैं कि वो कौन सा दौर था जब आपको गोल रोटी आती थी बनाना। तो इनका जी मैं भी यही कह रही हूँ ना कि भाई हम मुझे तो आप लोगों ने सिखाई है, मुझे तो जब मेरी शादी हुई तब तो मुझे आती नहीं थी गोल रोटी बनाना, यही बात है ना। मैं तो आपके घर आके मेरी प्रैक्टिस हुई है गोल रोटियों की, यही बात है। तो अभी तक भी गोल रोटी जो है ना ये देख रहे हैं ना नहीं ये तो वैसे हो गया ना जल्दी जल्दी में वैसे देखे ना जितना जी तवा ये आप देखें जितना तवा इतनी मेरी रोटी है, देख रहे हैं आप। ये तो मैं थोड़ी सी छोटी सी देर डालती हूँ ये ना तेल वगैरह नीचे गिरे। बस छोड़ दे शांजे अच्छी लग रही है। शांजे बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? लुबना का है तो ये लड़की का नाम नहीं था लुबना, ये जबना होता है मेरे ख्याल से। ये देखिए ना इसके ऊपर लिखा है क्या, क्या लिखा है? अच्छा लुबना होता है, लुबना नहीं होता। आपको जो है ना लगता है आपको पाकिस्तान की तरफ ध्यान है आपका। ये देखिए ना जी L A B N E L A S लुबना होगा, लुबना। ये क्या लिखा है? लुबना, लुबना। ये जी क्या ले सकते हैं, मक्खन होता है एक तरह का। और ये जी देखें हमारी भिंडी इतनी मज़े की रेडी हो चुकी है। और ये मैंने अलीना के लिए एग बनाया है। और ये एज यूजुअल हमारी लस्सी। और ये जी चाय, चाय चाय चाय। चम्मच कहाँ है? चम्मच भी इधर ही है बेटा। ये लो आप इसके ऊपर थोड़ा शहद डालो। ये लो। हाँ मैं टिश्यू देती हूँ, अलीना टिश्यू दो। अलीना इधर दो, ये टिश्यू शाम से, ये टिश्यू है। चले जी बिस्मिल्लाह करें, लीना खोलो जी, रोटी खोलने। आज आज अमजद ने पैक किए हैं पराठे। अच्छा ये देखिए ये पराठे, बिस्मिल्लाह। ये ले जी आपका एक आ गया। ये क्या हो रहा है? नहीं कितनी बार स्टार्ट पानी पीना, ये लो बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते हैं। हां जी कितनी प्यारी लग रही है। व्हाट इज दिस? हेलो शांजे क्या मजा, ये क्या शांजे कह रही है? इसमें जरा मैं इजी नहीं फील कर रही दुपट्टे में। नो शांजे चले खाना पहले खाते हैं, बैठते हैं। मामा मैं ये झूले चले इधर चले। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे शांजे। हाँ 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 चलेंगे। अभी ये देखो दुपट्टा उतारा इसने, बालों का क्या हाल कर दिया। Mm-hmm.